हे गाइस, मेरा नाम है आकाश, स्वागत है आपको टेक ओवीएल में। तो आज मेरे पास है Acer Predator Helios 300। इस गेमिंग लैपटॉप का क्विक ओवरव्यू देने वाला हूँ। मैं इस लैपटॉप को काफ़ी दिनों से यूज कर रहा हूँ एंड मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही सही है। नॉट जस्ट मी, मेरे से ज़्यादा मेरे घर में भी यूज़ किया जाता है एंड दे आर रियली हैप्पी विद दिस लैपटॉप। सो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, डिज़ाइन की बात करें तो फर्स्ट लुक फ्रॉम आउटसाइड इज रियली इम्प्रेसिव। हार्ड प्लास्टिक मटीरियल से बनाया गया है। स्पेशली प्रेडेटर लोगो ऊपर की तरफ लुक्स अमेजिंग। जब भी हम लैपटॉप ऑन करते हैं तो लोगो ग्लो होता है। नीचे की तरफ एयर वेंट्स दिया गया है एंड ग्रिप के लिए रबर पैडिंग भी दिया है एंड लैपटॉप के दोनों साइड्स पे एयर वेंट है और फ्रेम का जो मटेरियल है वो मेटल का बनाया गया है। सो लेट्स स्टार्ट द लैपटॉप। स्टार्ट करते ही एक म्यूजिक सुनाई देगा एंड इट्स यूनिक। वेट की बात करें तो इट वेज अराउंड 2.4 to 2.5 kgs। कीबोर्ड की बात करें तो बैकलेट फुल साइज कीबोर्ड है। क्लिकी है, थोड़ा सा हार्ड है कंपेयर टू अदर बेसिक कीबोर्ड्स। क्योंकि ये गेमिंग लैपटॉप है, कीज थोड़ा हार्ड होना ही चाहिए। मैं रेगुलर टाइपिंग के लिए भी यूज़ किया हूँ एंड इट इज़ वेरी यूजर फ्रेंडली। टच पैड की बात करें तो A4 ट्रैक पैड है। अगर आप माउस यूज़र हैं तो 4 ट्रैक पैड थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट स्लोली आप यूज टू हो जाएंगे। ओवरऑल कीबोर्ड एंड ट्रैक पैड मुझे दोनों अच्छा लगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो अंडर द हुड 10 जनरेशन का इंटेल i7-10750H प्रोसेसर है। इस प्रोसेसर में 6 core 12 threads आपको देखने को मिलता है। साथ में इंटेल UHD ग्राफिक्स भी है एंड 16GB का DDR4 मेमोरी भी है। अगर आपको अपग्रेड करना है तो अप टू 32GB तक अपग्रेड कर सकते हैं। इस लैपटॉप में स्टोरेज के लिए 1TB का हार्ड डिस्क इंक्लूड किया गया है और बूट करने के लिए 256GB का NVMe SSD भी इंक्लूड किया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें Nvidia GeForce RTX 2060 6GB वेरिएंट का डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड दिया गया है। स्पेशली Nvidia RTX ग्राफिक कार्ड्स आर नोन फॉर गेमिंग। नॉट जस्ट गेमिंग, इस लैपटॉप को एज वर्क स्टेशन जैसा भी यूज़ किया जा सकता है। तो अब डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 15.6 इंच IPS फुल HD LED बैकलेट TFT LCD डिस्प्ले दिया गया है एंड 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। लैपटॉप में 144Hz रिफ्रेश रेट विद 3 milliseconds रिस्पॉन्स टाइम बढ़िया है। लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में देखा जाए तो बहुत सारे पोर्ट्स दिया गया है। RJ45 का नेटवर्क पोर्ट, 2 USB 3.2 Gen 1 Type A पोर्ट्स एंड USB 3.2 Gen 2 Type A एंड Type C पोर्ट, और साथ में HDMI, ऑडियो जैक एंड थंडरबोल्ट भी इंक्लूड किया गया है। बिल्ट इन इसमें माइक्रोफोन, स्पीकर एंड कैमरा दिया है। कैमरा की बात करें तो नॉर्मल लाइटिंग कंडीशंस में सही है। माइक्रोफोन नॉर्मल है, नथिंग इंटरेस्टिंग, बट स्पीकर मुझे बहुत ही पसंद आया, क्रिस्टल क्लियर साउंड है। डेफिनेटली एक्सटर्नल माइक्रोफोन जस्टिस नहीं करेगा, बट इन रियल गेमिंग एंड मल्टीमीडिया के लिए बहुत सही स्पीकर्स है। सॉफ्टवेयर साइड की बात करें तो विंडोज 10 मिल जाता है, विच इज़ नथिंग बट एन OEM। चाहे तो आप रिटेल की परचेज कर सकते हैं। गेमिंग टेस्ट बेंच एंड कंपैरिजन नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लैपटॉप जो है गेमर्स के लिए फोकस करके बनाया गया है, बट नॉट जस्ट गेमिंग, इस लैपटॉप में वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, ब्राउजिंग, मूवीज, वीडियोस, कॉलेज वर्क, ऑफिस वर्क के लिए भी यूज किया जा सकता है। ओवरऑल नेक्स्ट 4-5 साल के लिए अगर आपको लैपटॉप लेना है, दिस इज द लैपटॉप दैट यू शुड कंसिडर बाइंग। अभी फिलहाल इसका जो MRP 1 लाख से ऊपर है, अगर आपको 80-90,000 के आसपास मिल जाता है रिटेल प्राइस, तो आप जाके खरीद सकते हैं। ऑफलाइन भी आप ट्राई कर सकते हैं, बट ऑनलाइन का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना। नेक्स्ट इस लैपटॉप के साथ मैं गेमिंग बेंचमार्क टेस्ट एंड कंपैरिजन वीडियो करने वाला हूं। तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।